हेलो क्लास सिक्स, बेटा चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर सराउंडिंग्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में स्टार्टिंग के 2 पेज की हम रीडिंग करने वाले हैं। आई सजेस्ट यू इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, सभी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आप निकालते हैं, तो बेटा वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। राहुल स्टडीज इन क्लास 6। इन द समर वैकेशंस हिज क्लास हैड गॉट एन असाइनमेंट इन विच ईच स्टूडेंट हैड टू ब्रिंग पार्ट ऑफ एनी प्लांट एंड ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल from the place they had visited in their holidays। राहुल 6th क्लास में पढ़ता है और समर वेकेशन में उनकी क्लास को एक असाइनमेंट दिया गया जिसमें हर एक स्टूडेंट को एक प्लांट ब्रिंग ए पार्ट ऑफ एनी प्लांट, एक किसी भी प्लांट का एक पार्ट लाना था, एक पिक्चर लानी थी एनिमल की। जहाँ पर भी वो विजिट करने गए हों बच्चे, वहाँ से ये मैटर इकट्ठा आपको करना था। ठीक है, क्या करना था, जहाँ पर वो विज़िट करने गए हों वहाँ से किसी भी प्लांट के एक पार्ट को लाना था, किसी भी एनिमल की एक पिक्चर को लाना था। ठीक है, आफ्टर द समर वेकेशन के बाद व्हेन दे वेंट टू स्कूल, जब वे स्कूल गए, ऑल स्टूडेंट्स वर सरप्राइज, सभी स्टूडेंट्स को बहुत आश्चर्य हुआ टू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैड डिफरेंट सेट, के अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग तरह के सेट थे, डिफरेंट सेट थे, अलग अलग तरह के आइटम्स जो वो लाए थे सबके अलग अलग थे। द स्टूडेंट्स हु हैड गॉन टू राजस्थान हैड ए पिक्चर ऑफ कैमल एंड ए बल्ब ऑफ कैक्टस। तो जो स्टूडेंट्स राजस्थान गए थे वो कैमल की पिक्चर लाए और कैक्टस का एक बल्ब यानी पार्ट लाए, है ना, कैक्टस एक पौधा होता है वो लाए, है ना, बल्ब होता है, विच ही सा इन डेजर्ट, जो उन्होंने डेजर्ट में देखा था। ठीक है, जो उन्होंने डेजर्ट में देखा, इसको थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ जिससे और क्लियर आ जाएगा। द वन हु हैड गॉन टू मनाली, और जो उनमें से एक मनाली गया था टू सी द माउंटेन्स, उन्होंने माउंटेन देखे थे, हैड ब्राउट बैक पाइन कोन, तो वो क्या लाया वापस, पाइन कोन लाया एंड फोटोज ऑफ याक की फ़ोटो लाया। ओके, वन द स्टूडेंट्स हैड गॉन टू कन्याकुमारी, एक स्टूडेंट कन्याकुमारी गया था, तो जो कन्याकुमारी गया था ब्राउट बैक ए पाम की लीफ लेकर आया वो एंड पिक्चर ऑफ टर्टल, एक टर्टल की पिक्चर लेकर आया। क्लियर, they all described their experiences of seeing new type of plants and different animal, उन्होंने अपने अपने तरीके से different जो animals देखे, plants देखे, उनको क्या किया, describe किया अपने experience को। they also discussed with each other the different things they saw, और उन्होंने आपस में भी एक दूसरे से discuss किया जो उन्होंने different तरीके की चीज़ें देखी थी। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपके पास दी गई हैं, कैक्टस, कैमल, याक, टर्टल, पाम लीफ और पाइन कोन, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है दूसरा पैराग्राफ हमारा, ऑल द लिविंग बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बींग्स होती हैं, वो सब क्या हैं, प्लांट्स, एनिमल एसेट्रा क्या होती हैं, ऑर्गेनिजम्स कहलाती हैं। द बॉडी फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सूटेड टू द प्लेस वेयर दे लिव, और जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी फीचर्स उस प्लेस को सूट करते हैं जहाँ वो रहते हैं, है ना, उसके अनुकूल होते हैं। ए कैमल लिव्स इन ए डेजर्ट वेयर वाटर इज स्केयर, जहाँ पर पानी की कमी होती है तो डेजर्ट में कैमल वहीं पर तो रहता है ना, कैमल लीव्स, कैमल रहता है डेजर्ट में जहाँ पर पानी की कमी होती है। देयरफोर
इट्स बॉडी इज़ सूटेड टू सच कंडीशन, तो उसकी बॉडी वहाँ के लिए अनुकूल होती है। इट हैज़ ए हम्प, हम कहते हैं जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसकी बैक पर, यानी कूबड़ होता है। इन विच इट कैन स्टोर्ड फूड एंड वाटर, जिसमें वो अपना फूड और वाटर को स्टोर कर देता है। सो दैट इट कैन सर्वाइव मैनी डेज, इसलिए वो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है विदाउट वाटर, बिना पानी के। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ डेजर्ट सैंड, और इसकी टांगें बहुत लंबी होती हैं जिससे ये अपने आप को बचाए रखता है सैंड यानी बालू रेत की गर्मी से, है ना। अच्छा, ए कैमल हैज़ ड्राई स्किन, कैमल की जो स्किन होती है ड्राई होती है। विच डज नॉट स्वेट, जिससे पसीना नहीं आता। एंड देयरफॉर डज नॉट लूज वाटर, और पानी की कमी नहीं होती है। इट्स डंग इज़ आल्सो ड्राई, इसका जो डंग होता है गोबर होता है वो भी सूखा होता है। इट हैज़ पैडेड हूफ्स, इसके जो खुर होते हैं पैडेड होते हैं, गद्दीदार होते हैं। विच हेल्प इट, जो इसकी हेल्प करते हैं वॉक ऑन सैंड, बालू पर रेत पर चलने में सहायता करते हैं। ए ऑल दीज फीचर्स हेल्प ए कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, ये जो सभी फीचर्स हैं ये हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, जीने में डेजर्ट में कैमल की। ए याक हैज़ शॉर्ट लेग, याक की जो लेग्स होती हैं छोटी होती हैं। इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विद लॉन्ग थिक हेयर, इसकी बॉडी बहुत लंबे लंबे थिक घने बालों से ढकी जाती है। टू प्रोटेक्ट इट, जो इसको बचाती है फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत अधिक ठंड से। ऑफ द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन की बहुत अधिक ठंड से इसको बचाती है। इट्स बॉडी हैज़ ए लॉट ऑफ फैट, इसकी बॉडी पर बहुत सारी चर्बी होती है, फैट होता है। टू सर्वाइव इन द विंटर्स, विंटर में जीने के लिए। ए टर्टल हैज़ सॉफ्ट बॉडी, टर्टल की बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है। विच कैन हाइड इनसाइड इको स्केल्टन, जो अपने आप को इको स्केल्टन के अंदर छुपा लेता है। इट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ये पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। इट हैज़ ए टेल विच हेल्प्स इट टू स्विम, इसकी एक पूंछ होती है जो इसको तैरने में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, इसमें लिखा है गैस द स्टूडेंट माइट हैव सीन द डिफरेंट सराउंडिंग्स, आपको गैस करना है कि उन स्टूडेंट ने डिफरेंट सराउंडिंग में क्या क्या दिखा होगा, और नोट डाउन करना है इसमें, है ना। फीचर्स ऑफ सर्टेन प्लेस टेबल बिलो, ये एनिमल प्लांट और है ना और फीचर्स हैं कुछ, तो वो आप कौन कौन से देख सकते हैं वो गैस कीजिएगा आप, और यहाँ पर आप इसको राइट करना है, तो इसको अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग आर कॉल्ड अडेप्टेशन, यानी द क्या कह रहा है ये, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं कुछ स्पेशल जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, सर्टेन हैबिट्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, वो जो हेल्प करती हैं किसी सराउंडिंग में रहने के लिए, तो वो अडेप्टेशन कहलाता है। इन एडिशन टू फिज़िकल फीचर्स अडेप्टेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स आल्सो, अगर फिजिकल फीचर की बात करें तो अडेप्टेशन कैसा होता है, हैबिट्स भी होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स होती हैं वही उनका अडेप्टेशन इस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए फिश हैज़ ए स्ट्रीम लाइन बॉडी विच हेल्प्स इट टू कट थ्रू वाटर एंड मूव फॉरवर्ड, फिश का जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन होती है, वो उसकी हेल्प करती है वाटर को काटने में और मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने में। इट हैज़ फिन्स, इसके फिन्स होते हैं विच मेक इट चेंज इट डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इट हैज़ गिल्स विच हेल्प इट टू एब्जॉर्ब द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, और गिल्स इसके क्या हेल्प करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उससे वो एब्जॉर्ब करते हैं। डू यू थिंक ए फिश कैन लिव
ऑन लैंड और कैमल लिव इन वाटर, वाई? क्या आप सोच सकते हो कि एक मछली ज़मीन पर रह सकती है और एक कैमल पानी में रह सकता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड प्लेस टू लिव वेयर दे कैन गेट प्लेंटी ऑफ फूड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड एडवर्स कंडीशन। सभी ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको भोजन की और रहने की, अपने शत्रुओं से बचाव की, और जो एडवर्स यानी उनके प्रतिकूल जो कंडीशंस होती हैं, नुकसानदेह कंडीशन होती हैं, उनसे बचने के लिए वो सब कंडीशन है ना क्या होती हैं, एक उनको ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, फूड की, शेल्टर की, प्रोटेक्शन चाहिए एनिमीज से और बचाव चाहिए एडवर्स कंडीशन से। द एरिया और सराउंडिंग्स इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो जिस सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट। हैबिटेट के कौन से कंपोनेंट होते हैं? ए हैबिटेट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। हैबिटेट के दो पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है चलिए पढ़ते हैं। दीज आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन ए हैबिटेट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड टू ग्रो। सभी एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है ना, और जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर आवर फूड। हम प्लांट्स पर और एनिमल्स पर अपने फूड के लिए निर्भर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज। फूड हैबिट्स के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को चार पार्ट में, चार काइंड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज टू पेज की हमने बेटा रीडिंग कर ली है, इससे आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिए कि आप डिफ़िकल्ट टर्म्स निकालें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसी टर्म्स, ऐसी लाइन, कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही।